वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। ऑनलाइन स्टडी के इस न्यू इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम प्योर कंडक्टिव सर्किट के बारे में बताने जाएंगे कि भाई प्योर कंडक्टिव सर्किट क्या होता है और वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है कंडक्टिव सर्किट के लिए, और फेजर डिफरेंस भी निकालने जाएंगे, और उसके अलावा आर एंड फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन भी स्थापित करेंगे। प्योर कैपेसिटेंस सर्किट, इसमें एक धारे संधारित्र लगा हुआ है, ये धारित्र परिपथ में शुद्ध यानी सिर्फ वही लगा हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एज ऑलवेज हमने पहले समय बना रखा है, समय सबसे पहले ड्राइव करते हैं फॉर्मूला, तो क्या करते हैं पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम चीजें करते हैं। तो किससे जुड़ा हुआ है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ा हुआ है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने मान लिया वीसी, मान ली वोल्टेज संधारित्र, इसलिए मैंने सी मान ली। और यहाँ पे क्या है, वी है, इसकी वैल्यू क्या है, ये तो फिक्स है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी, हमें पता है, ये हमें पता है। और मैंने मान लिया, माना संधारित्र पर आवेश प्रवाहित आवेश कितना होगा, हमें पता है संधारित्र है तो उसमें आवेश प्रवाह होता है, धारिता होती है, तो आवेश मैंने मान लिया। क्यों मान लिया, और मान लिया उसकी धारिता कितनी है, संधारित्र तो ऑब्वियसली उसकी धारिता भी होगी, उसकी धारिता मान ली मैंने, माना धारिता कितनी है, सी माना नहीं मतलब फिक्स ही है, देर का होता है, कॉन्स्टेंट होती है भाई, सी एक कोई कैपेसिटेंस लाएगी उस पर लिखा रहता है भाई इसकी इतनी धारिता है, कैपेसिटेंस है तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे एज ऑलवेज वी विल यूज किरचॉफ्स लॉ, वी विल यूज किरचॉफ्स लॉ भाई, किरचॉफ लॉ, हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ओ डबल एफ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में वी नेट कितना होता है, टोटल वो जीरो के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वी माइनस वी सी, माइनस वी सी क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, वी माइनस वी सी बराबर जीरो, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वी सी हो जाएगा, वी बराबर वी सी आ जाएगा। तो ये संधारित्र है, तो संधारित्र पे जो वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है, हमने पढ़ा है वी बराबर जो ये V तो ऐसा ही है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, V की Vmax sin omega t है, तो इधर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Vmax sin omega t लिख सकते हैं, sin omega t लिख सकते हैं। और Vc की हमें पता है संधारित्र पे जो वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू होती है Q by C, प्रवाहित आवेश अपॉन उसकी धारिता, उसकी धारिता, ये हमें आ गया, ये हमें आ गया। तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा Vmax into C को ऊपर डिवाइड कर देंगे, C sin omega, sin omega t हो जाएगा, हमें हमें ये तो आ गया, लेकिन हमें यहाँ तो कहीं भी करंट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमें लास्ट में लाना क्या है, वी और आई के बीच में रिलेशन, जब भी तो हम उनके बीच में डायग्राम बना पाएंगे, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा। पर हमें पता है कि आई का फॉर्मूला होता है एक, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, क्या कहते हैं, विद्युत धारा, यानी डी टी 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 नीचे आ गया, ये दर हो जाती है, जब टाइम नीचे आ जाता है तो दर हो जाती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो डी ऐसे कैसा ही अपॉन नीचे डी टी ऐसे कैसा ही, और Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं Vmax C sin omega t, sin omega t आ गया, आ गया। अभी हमें पता ये क्या है, अभी ये वाली चीज क्या होती है, ये होती है इंटीग्रेशन, और जब नीचे dt आ जाता है, d अपॉन dt हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, I बराबर इसका करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये दोनों तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, तो Vmax बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो C भी बाहर आ जाएगा, साइन का T के रेस्पेक्ट में करेंगे साइन ओमेगा T का, तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा T हो जाता है, कॉस ओमेगा T हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा T हो गया, और साथ ही साथ साइन के साथ T का फंक्शन है, क्योंकि T के सापेक्ष का लेना, तो T के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली ओमेगा जुड़ा हुआ है, तो ओमेगा क्या आगे आ जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, इनटू ओमेगा हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे डिवाइड में चला जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में गुणा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो आई क्या आ जाएगा, ओमेगा को मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो कि गुणा में यहाँ पर चार गुणा पांच करो, पांच गुणा चार करो, इट डजेंट मैटर। सो हम आगे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Vmax सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम आगे करते हैं, इसको आगे इधर लिखते हैं, अब हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ गया, लेकिन मैं वोल्टेज दे रखी है किसमें, सॉरी वोल्टेज दे रखी है साइन में, ये कॉस में, तो मैं इसको वापस साइन में कन्वर्ट करूंगा, तो आई क्या आया था मेरे पास, दोबारा से एक बार लिख लेता हूँ, वो आया था मेरे पास Vmax सी ओमेगा
कॉस ओमेगा टी आया हमारा, हमने ड्राइव किया अभी, तो जब हमें इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी ओमेगा ऐसे चल रहा है, कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। ये मैथ में है, आपने पढ़ा हुआ 10th 11th में, ये हल्का फुल्का बेसिक है, इसको पता होगा कि साइन को 90 प्लस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा हो जाता है, वो किसमें पहुंच जाता है, पाई बाई टू प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कॉस वो सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस में पहुंच जाएगा और ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो आई का एक बार दोबारा से इसको क्लियर लिख लेते हैं वी, और इसको क्या लिख सकता हूँ, सी ओमेगा को 1/c ओमेगा लिख सकता हूँ, 1/c ओमेगा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा था हमने कि आई का फॉर्मूला निकालो तो ऊपर वी आ रहा था सिर्फ, और साइन का फंक्शन आ रहा था, फिर नीचे आर का जो जो रेजिस्टेंस बन रहा था उसका फॉर्मूला आ रहा था, तो मैं 1/c ओमेगा कर सकता हूँ। बाद में अगर इसको गुणा करोगे तो ये एक तो नीचे रहेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा में हो जाएगा, आपको पता है। तो बाकी साइन पाई बाई टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ये हो गया। अब और मेरे पास वी का क्या दे रखा है, इसको एक बार वी को दोबारा से उठा लेता हूँ, ये दे रखा है मेरे पास वी मैक्स साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों के बीच में देखिए इनका, अब एक बार सॉरी इसको दोबारा से एक बार इसको मिटा देते हैं, तो ये आई बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आई मैक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि वी मैक्स आ रहा है ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू तो उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, आई मैक्स के लिख सकता हूँ मैं, आई मैक्स लिख सकता हूँ, आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और वी की क्या वैल्यू, वी की हमें पता है वी मैक्स साइन ओमेगा टी है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है। अब देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन, इनके बीच में क्या कलांतर, यानी इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, नहीं, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, पाई बाई टू। और कौन आ गया, ऑब्वियसली देख सकते हैं कि जो करंट है वो आगे, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है, जो एंगल है, मान के चलो वोल्टेज का ले लिया मैंने ओमेगा टी है, तो जो करंट का है वो ओमेगा टी में प्लस पाई बाई टू हो रहा है, इससे पहले वाले प्रेरक के परिपथ में क्या हो रहा था, माइनस पाई बाई टू हो रहा था, इसलिए वो जो करंट थी वो माइनस पाई बाई टू यानी पीछे आ रही थी, लेकिन इसमें करंट पाई बाई टू आगे हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो शुद्ध प्रतिधारित परिपथ होता है, शुद्ध ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा वोल्टता से पाई बाई टू कलांतर आगे होती है, पाई बाई टू कलांतर आगे होती है, प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब आगे होना, आगे होती है, यानी इनके बीच में कलांतर कितना होता है, पाई बाई टू का कलांतर होता है। अब हम डायग्राम वो इनके बीच में डायग्राम बनाते हैं, तो एक बार मिटा, चलो यही बना लेते हैं डायग्राम बिटवीन वी एंड आई डायग्राम। दैट इज ये लिखा, ओ सॉरी यहाँ पे बन नहीं पाएगा, यह जगह कम है, तो दोबारा से बनाते हैं एक बार इसको मिटा लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, एक बार नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ये है कि इनके बीच में बनाना है, तो मैंने वी एंड आई के बीच में बना लिया डायग्राम। सबसे पहले मैंने बताया था एक को बेसिस मान लेंगे, उसके आधार पर हम दूसरा बनाएंगे, तो मैं किसको माना लिया, मैंने मान लिया वी का बनाता हूँ मैं स्टार्टिंग में हर चीज में, सबको आपको भी वी का बनाना आसानी पड़ेगी, तो वी का बनाऊंगा तो एक सिंपल बना लिया, ये बना लिया, ये क्या हो गया आवर्त काल हो गया, टाइम पीरियड, और ये टी बाई टू हो जाएगा, टी बाई टू हो जाएगा, ये वी मैक्स वैल्यू है, किसकी क्या है, ये वी मैक्स है, क्या है वी मैक्स है, ये क्या है, ये भी वी मैक्स वैल्यू होगी पर नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो अब हम बनाएंगे वी मैक्स का बना लिया, ये टी टाइम क्या है, टाइम टी टाइम पे। अब मैं करंट का बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, किसका, करंट का। तो देखो अभी पिछली बार हमने कहा था तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यानी पाई बाई टू पीछे हो रही थी, तो हमने नीचे से स्टार्ट किया था, अब पाई बाई टू क्या हो रही है, आगे हो रही है, तो ये ऊपर से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से, यानी जब जीरो वैल्यू होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ होगी,
तो जब जीरो होती है पाई बाई टू होगा, जब इसकी मैक्सिमम है तो इसकी मिनिमम होगी, तो मैं आराम से बना सकता हूँ। जब इसकी जीरो है तब इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, कहाँ पे लगभग यहाँ पे बना सकता हूँ मैं, और जब इसकी मैक्सिमम है तो इसकी मिनिमम होगी, और जब इसकी मिनिमम है तो इसकी मैक्सिमम होगी, तो वो कहाँ पे होगी, लगभग यहाँ पे होगी। लेकिन करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वी मैक्स वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से कम ही होगी, क्योंकि मैंने बता रखा है क्यों कम होगी, क्योंकि आर से डिवाइड करते हैं, आर से डिवाइड करते हैं जब वैल्यू आती है, तो किसकी वैल्यू आई मैक्सिमम है, क्या है ये आई मैक्सिमम है, आई मैक्सिमम है। अब ये डायग्राम तो पता ही चलेगा, डायग्राम डायग्राम बिटवीन आई एंड वी के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। अब फेजर डायग्राम बनाते हैं क्या के भाई इनके बीच में कलांतर को साबित करने के लिए कि क्या होता है, इधर बना लेते हैं फेजर, जी आर ए फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा, ये एक्स एक्सिस है, ये बना लिया मैंने, ये बना लिया, देखो ये एक्स है, ये क्या है, ये वाई है। तो एज ऑलवेज सबसे पहले हम बनाते हैं वी का, वोल्टेज का बनाते हैं, तो कितने एंगल पे, ये ओमेगा टी एंगल है, तो मैंने मान लिया ये ओमेगा टी, कितना एंगल मान लिया मैंने ओमेगा टी, एक्स एक्सिस से कितना ओमेगा एंगल है, ओमेगा टी है, और ये क्या है वी मैक्स है, वी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, वोल्टेज है ये, क्या है वोल्टेज है साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा सॉरी साइन ओमेगा टी है। अब देखो अब मुझे आई का बनाने, क्योंकि ए को बेस बेसिस मानते हुए हम आई का बनाते हैं, तो देखो ओमेगा टी है, तो आई का एंगल क्या देखा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी ओमेगा टी से पाई बाई टू ज्यादा, तो पहले मैं ओमेगा टी तक चलूंगा, मैं यहाँ से ओमेगा टी चल लिया, उसके बाद मैं पाई बाई टू और चलूंगा, यहाँ से मैं पाई बाई टू और चलूंगा, लगभग पाई बाई टू मैंने मान लिया इससे पाई बाई टू, यानी यहाँ पे, यानी ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंगल है, तो पहले ओमेगा टी प्लस उसके बाद ये पाई बाई टू और चलूंगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल ओमेगा, ये पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी करंट, करंट की थोड़ी वैल्यू कम आएगी, करंट मैंने ये बता दिया आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब मैं जो फ्रीक्वेंसी और उसके बीच में रिलेशन बनाता हूँ, रिलेशन बिटवीन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड जो रेजिस्टेंस है नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस उनके बीच में रिलेशन बताता हूँ। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, हम आई लिखते हैं तो वी अपॉन आर होता है, यानी आर जो रेजिस्टेंस है वो एक्स ही मान लिया मैंने, वो कितना दे रखा है, जो वी के नीचे आता है वो आर होता है, तो वो कितना दे रखा है वन अपॉन सी ओमेगा, वन अपॉन सी ओमेगा, एक्स ही क्या हो जाएगा वन अपॉन सी ओमेगा, क्या लिख सकता हूँ मैं टू पाई एफ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ टू पाई एफ, तो इसको सिंपल करूंगा मैं तो हो जाएगा वन अपॉन टू पाई सी एफ, यानी एक्स सी क्या आ गया वन अपॉन टू पाई सी एफ, यानी एफ वो कम कर रहे हैं तो सी बढ़ रहा है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मैं मिटा देता हूं सबको, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा कि मैंने ये यहाँ पे बना लिया, और ये क्या बना लिया मैंने, इधर क्या बना लिया मैंने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हमारा, ये हमारा एक्स सी यानी रेजिस्टेंस, तो वो बढ़ाने पे यानी इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और इसकी अगर इसकी वैल्यू जब एफ की वैल्यू जीरो है तो एक्स सी की कितनी होगी वन अपॉन, ये नीचे जीरो जाएगा वन अपॉन जीरो यानी इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट जाएगा, और जब इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी तो वन अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा वन अपॉन इनफाइनाइट यानी जीरो, यानी ये इस तरीके से कर्व चलेगा, इस तरीके से कर्व चलेगा, ये हो गया हमारा कर्व एक्स सी एंड एफ के बीच में, यानी प्रतिरोध और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये शुद्धार्थी परिपथ के लिए है। अब अगले वीडियो हम आगे लाएंगे आपके अगले लेक्चर में, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वेलकम, ट्राइब एंड सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना प्रमोट कीजिए, सो थैंक यू।